हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं सीखा चौ स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। आप सभी को पता है कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक बार हम वो देखते हैं। हमारा डिवाइड द पॉलिनोमियल्स पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल्स जी एक्स। हमें दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, एक तो है पी एक्स और एक है जी एस। अब पी एक्स को जी एस से डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। सेम यही इन दोनों पार्ट में है। आगे एंड फाइंड द क्वांटेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जब हम इन्हें फाइंड या फिर डिवाइड करेंगे तो क्वांटेंट और रिमाइंडर ही आएंगे और वही हमें इसमें फाइंड करने हैं। तो अब आप सोच रहे होगे ये डिवाइड कैसे होते हैं, तो आपको मैं बता दूं, वेरिएबल्स जो मतलब कि पॉलिनोमियल्स होते हैं ये डिवाइड भी होते हैं, ऐड भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, मल्टीप्लाई भी होते हैं। जितने भी वेरिएबल्स हैं या फिर पॉलिनोमियल्स हैं इन्हें आप डिवाइड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सबसे पहले इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि हम उसको कैसे डिवाइड करें। यहां नोट करते हैं हम सब फर्स्ट पार्ट इसका, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ये है एक पॉलिनोमियल और इसको जी एक्स मतलब इससे क्या करना है, डिवाइड करना है x² माइनस 2 से। अब आप सोच रहे होगे इन्हें हम डिवाइड कैसे करें, तो इन्हें डिवाइड करने का बिल्कुल वही सेम नॉर्मल तरीका है जैसे आप डिवाइड करते हो। कोई भी नंबर ले लो 6, जब आप इसको डिवाइड करो 3 से या फिर 2 से, मान लो इसको आप डिवाइड करो तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। कोड से कैसे मल्टीप्लाई करते हो, 2। हम 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 6 आ जाए, तो 2 3 जो हम यहाँ लिखते हैं 2 की और इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6। हम फिर नीचे 6 लिखते हैं और फिर इसको डिवाइड करते, तब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब ऐसे ही कोई और नंबर जैसे 7 हो और 9 हो, इनमें हम पॉइंट लगा के मतलब डेसिमल लगा के क्या निकालते हैं, आंसर इनका निकालते हैं। यहाँ पे हमने इनकी मल्टीप्लाई की, सेम वही कंडीशन हमें यहाँ लगानी है। यहाँ पे भी जो हमारा क्वांटेंट आएगा उनको क्या करना, हमें मल्टीप्लाई ही करना है। वो देखते हैं कैसे करना है। अब इसमें तो कोई कंडीशन नहीं थी, जैसे अगर यहाँ पे 6 की जगह 7 होता तो डेसिमल में आंसर आता, क्योंकि हमें पॉइंट लगाना पड़ता ताकि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए। इसमें हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे x² है एंड यहाँ पे x³ है। अभी आप बाकी के टर्म्स भूल जाओ, ये लास्ट के जितने भी टर्म्स हैं इन्हें भूल जाओ कि ये यहाँ पे है या नहीं है। अभी सिर्फ आप आगे की टर्म्स याद रखो। आप इतना याद रखो कि हम x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती है ना। तो x² में हम ऐसी कितनी पावर ऐड करें, पावर तो एक ही ऐड होगी जब भी 3 आएगा, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो x³ आ जाए। अब आप x² में x को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, x³ आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे प्लस का x³ लिया, ये देखो, या फिर हम कह सकते हैं हमें x³ ही क्यों चाहिए। जैसे अगर 7 को जब 2 से डिवाइड करना होता है तो हम वहाँ क्यों नहीं देखते कि हम उसमें से क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 आ जाए, क्योंकि हमें जब पता होता है कि 2 के टेबल में 7 नहीं आता इसलिए वो डिवाइड हो ही नहीं सकता। बट हम इसको अपने अकॉर्डिंग ला सकते हैं, x³ को हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ला सकते हैं। कैसे, जब आप x³ में x को मल्टीप्लाई करोगे तो x² में जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आएगा, है ना। जब x² में x को मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आएगा। अब हमने यहाँ पे x ही क्यों लिया और हमें x³ ही क्यों चाहिए, हमें x³ यहाँ पे इसलिए चाहिए ताकि जो ये इसके नीचे जो अपॉन में नंबर आएगा वो कैंसिल हो जाए। अब आप सोच रहे हो जब x³ प्लस का अपॉन में x³, जैसे भी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ x³ आ जाएगा, जब ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे तो प्लस 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 हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, साइन के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएंगे, तो इन तो कैंसिल है, फिर यहाँ पे कटे ही नहीं। अब वो कटेंगे कैसे, तो मैथ के अंदर या फिर आपको बता सकती हूँ पॉलिनोमियल्स के अंदर जब भी कोई टर्म क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है,
तो उसकी जो नीचे वाले टर्म होती है, जैसे अब इसके नीचे एक्स क्यूब आया, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसके साइन चेंज हो जाते हैं। याद रखना सब्ट्रैक्ट, अब वो जरूरी नहीं है डिवाइड में ही हो, अगर आप स्पेशल कहीं पे भी अलग से सब्ट्रैक्ट करो तो वहाँ पे साइन चेंज ही होंगे। ओके, अब आप सोच रहे आगे वाले टर्म्स हम क्यों यूज नहीं करेंगे। हमने फर्स्ट टर्म्स इसलिए देगी क्योंकि जब आगे वाले टर्म्स के नंबर्स हैं वो हमारे पास अपने आप ही आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? अब ये माइनस का टू है, इसको भी आप यूज़ करना पड़ेगा। तो माइनस के टू की मल्टीप्लाई एक्स से कर दो, माइनस के टू की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो माइनस का टू एक्स आएगा, माइनस का टू एक्स आएगा। तो अब उसके यहाँ पे तो आप उसको लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर के अपॉन में जब आप एक्स की कोई टर्म लिखोगे वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। लेकिन वहीं आप 5x के नीचे माइनस का 2x लिखोगे तो वह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते समय हमें नंबर सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, ना कि x। जो x होते हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते, केवल नंबर्स ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, इसलिए हमने एक्स स्क्वेयर के नीचे लिखा ही नहीं। तो यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखनी होगी, जो जैसी टर्म है वो उसी के नीचे लिखनी पड़ेगी। जैसे एक्स क्यूब है तो वो एक्स क्यूब के नीचे ही आएगी, एक्स की पावर फोर है तो, अगर इसमें तो है नहीं कोई एक्स की पावर फोर, बट अगर कहीं पे एक्स की पावर फोर आए और आपको फिर एक्स की पावर फोर कहीं आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मिले तो वो उसी एक्स की पावर फोर के नीचे लिखना होगा। और नहीं लिखना मतलब यहाँ पे जैसे है नहीं और हमारा एक्स की पावर फोर आ रहा था इसको मल्टीप्लाई करके, वो कैसे आ सकता है? स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं लिख नहीं सकती, बट मैं बता देती हूँ एक बार। सपोज करो यहाँ एक्स क्यूब हो, अब जब आप इनके मल्टीप्लाई करोगे आपको सिर्फ आगे वाले टर्म चेक करनी है, पीछे वाले टर्म चेक नहीं करनी। और यहाँ है एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो जब आप एक्स की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो एक्स की पावर फोर आ जाएगी, एक्स की पावर फोर आएगी, इनमें कहीं पे भी एक्स की पावर फोर नहीं है तो वो आपको अलग से लिखना होगा, अलग से लिखना होगा, वो आप किसी भी टर्म के नीचे नहीं लिख सकते, याद रखना। ओके, तो यहाँ हमने माइनस टू की मल्टीप्लाई एक्स से की, माइनस का टू एक्स आया, उसको हमने प्लस के फाइव एक्स के नीचे लिखा क्योंकि दोनों एक्स की टर्म है, इसलिए हमने उन्हें एक दूसरे के मतलब कि माइनस के टू एक्स को हमने उसके नीचे लिखा। ओके, अब सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, आपको पता जब भी आप डिवाइड करते हो तो नीचे वाले टर्म में से सब्ट्रैक्ट ही तो करते हो, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। कभी आप लोग इसी के आगे कोई कोई क्या करता है, इसको माइनस लगा देता है और इसी को प्लस बना देता है, वो बिल्कुल गलत है। उसके अकॉर्डिंग तो आपने साइन चेंज किए ही नहीं, क्योंकि अब ये 2x प्लस का हो गया और एक्स क्यूब हो गया माइनस का, माइनस का हो गया, और फिर अब अगर आप इनका साइन चेंज करोगे तो दिक्कत आएगी। इसीलिए जब भी आप साइन चेंज करो तो हमेशा इनके नीचे लिखना, इनके नीचे लिखना। जैसे ये प्लस का है इसको यहाँ माइनस का बनाओ, ये माइनस का है इसको प्लस का लिखो, ताकि आपके दोनों साइन साथ साथ ही रहे और आपके साइन भी चेंज हो जाए। यूज अब ये वाला साइन होगा, इस साइन की यहाँ कोई वैल्यू नहीं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाना होगा कि हाँ हमने माइनस से प्लस में कन्वर्ट किया है, कि हमने साइन चेंज किए हैं, हमने रूल फॉलो किया है, इसलिए आपने इसको नीचे लिखा। और इसको यहाँ माइनस टू एक्स इसलिए लिखा रहने देना है ताकि सबको पता चले कि इसने कन्वर्ट भी किया है, रूल भी फॉलो किया है। ओके, अब प्लस माइनस माइनस अकॉर्डिंग टू मैथ ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस की टर्म हमेशा कैंसिल होती है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का थ्री एक्स स्क्वेयर ये बड़ा है, इसको हम यहाँ आगे ले लेंगे, माइनस का थ्री एक्स स्क्वेयर, प्लस 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 हो जाएंगे मतलब ऐड हो जाएंगे, तो हम प्लस का फाइव एंड टू सेवन एक्स लिख सकते हैं एंड माइनस का थ्री, टर्म एज इट इज आ गई। अब फिर से आपको देखना होगा, अब वो देखो क्या देखना होगा, यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यहाँ माइनस का थ्री है। अब इतना आपको पता चल गया हमें यहाँ क्या चाहिए, थ्री चाहिए, बट वो थ्री किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, ताकि साइन चेंज करते समय वो कैंसिल हो जाए। अब एक्स स्क्वेयर में जब आप माइनस का थ्री मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का थ्री एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, माइनस का थ्री हम लिख सकते हैं।
तो क्या है माइनस का 3x2। माइनस का 3 और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 6, तो प्लस का क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा। साइन चेंज प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 7x यहाँ जाएगा एंड माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा और माइनस का 9। ये है हमारा रिमाइंडर एंड ये है हमारा क्यूटेंट। शॉर्ट में लिखा आपको अलग से अच्छे से बताना होगा, इसे नीचे लिखना पड़ेगा रिमाइंडर एंड क्यूटेंट, फिर उसके आगे आपको नाम लिखने पड़ेंगे या फिर ये डिजिट्स लिखनी पड़ेंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे 7x-9 को मैंने रिमाइंडर क्यों कहा, 7x-9 को मैंने रिमाइंडर क्यों कहा, तो इसलिए कहा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वेयर है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, नीचे 7x है, 7x एक्स स्क्वेयर से छोटा है। अगर हम रिमाइंडर कब बचाते हैं, जब हमें पता चले कि जो चीज़ जिस चीज़ से हमें डिवाइड करना है और जो नंबर आया है वो उस चीज़ से छोटा है, तो हम उसे रिमाइंडर बचाते हैं। कहीं कहीं हम डेसिमल लगा के उसे पूरा सॉल्व कर देते हैं, बट यहाँ कोई डेसिमल का रोल नहीं है। यहाँ जैसे आप छोटी क्लासों में सीखते थे रिमाइंडर क्वेश्चन बचाने थे, वही है। आप डेसिमल की जगह बाद में सीखते थे, तो ऐसे इनमें भी आप बाद में ही सीखोगे। तो ये रिमाइंडर बच गया हमारा, क्योंकि एक्स स्क्वेयर से 7x छोटा है, पावर्स इसके कम हैं, यहाँ एक्स स्क्वेयर बड़ा है। 2 को मत देखो, सिर्फ एक्स स्क्वेयर, क्योंकि अब तक हमने जो कुछ भी किया वो एक्स स्क्वेयर से ही किया है। इसको भी हमने एक्स स्क्वेयर के अकॉर्डिंग लिया था, इसको भी हमने एक्स स्क्वेयर के अकॉर्डिंग लिया था। सेम ऐसे ही हम 7x और एक्स स्क्वेयर को देखेंगे, इनमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर एक्स स्क्वेयर में हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वेयर आएगा, कहीं पे भी 7x नहीं आएगा। और आपको पता है मल्टीप्लाई करते समय जो पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होती। इसलिए जो एक्स स्क्वेयर है वो एक्स स्क्वेयर है वो 7x से बड़ा है, और इसलिए क्या बच गया हमारा रिमाइंडर बच गया। आ गया समझ में ये हमारा रिमाइंडर कैसे बचा। इसी के साथ जो एक क्वेश्चन है या फिर फर्स्ट पार्ट है ये अच्छे से हो चुका है हमारा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम इसका इरेज करते हैं। सेम यही तरीका आपको सेकेंड पार्ट में इसका यूज होगा, सेम यही। तो इसके सेकेंड पार्ट में ये पी एक्स है एंड ये जी एक्स है, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है। ओके, पी एक्स क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस का 3x2 प्लस का 4x एंड प्लस का 5। अब आप सोच रहे हो कि जी एक्स में मैंने 2 टर्म्स लिखनी है, तो इनमें हम ऐसा यहाँ क्या ले जिससे हमें नंबर डिवाइड करना है। तो आपको एनसीईआरटी बुक में ये टर्म दे रखी है जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग गलत है। हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स होते हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होते हैं, वरना वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। तो पहले मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब एक पॉलिनोमियल से इसको क्या करना, डिवाइड करना है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी होगी। हमें कैसी फॉर्म लेनी होगी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी होगी, और ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें इसको यहाँ पे लिखना है। तो याद रखना, कहीं पे भी आपको ऐसे कोई भी नंबर दिया जाए अनस्टैंडर्ड से, तो उसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अब जरूरी ही नहीं है आपको यही नंबर दिया जाए अनस्टैंडर्ड में, ये भी दिया जा सकता है। तो आपको देखना होगा कि पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सारी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर इंक्रीजिंग में है तो ठीक, डिक्रीजिंग में है तो ठीक, बीच में कोई अटपटेशन नंबर आ गया, मतलब जो फॉर्म है वो गलत है और आपको अपने अकॉर्डिंग वो फॉर्म लगानी होगी। ओके, जैसे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करते थे, सेम उसी तरीके से आपको ये भी सॉल्व करने होंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर है, एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वेयर को ऐड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की पावर 4 आ गया, प्लस का चाहिए क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे और तभी ये कैंसिल होंगे। ओके, मैं बार बार बता रही हूँ साइन का बहुत रोल है इनके अंदर, साइन के ऊपर बहुत कॉन्सनट्रेट करना है। थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी हुई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और ये
जो आपकी सारी मेहनत है वो बेकार जाएगी। और इसमें तो कहीं पता भी नहीं चलता कि आपका जो बाद में आंसर आया वो करेक्ट है रोंग है, ये सब आपको पता नहीं चल पाएगा। इसमें x की पावर 4 होगी, अब माइनस x और x स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस का x क्यूब आएगा, यहाँ कहीं भी नहीं है, हम इसे यहाँ लिख लेंगे माइनस का x क्यूब। 1 की और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे प्लस का x स्क्वायर आएगा, जो इसके नीचे हम लिख सकते हैं साइन चेंज, ठीक है ये कैंसल। हमेशा आगे सबसे बड़ा नंबर आएगा, तो x क्यूब इन सबसे बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा x क्यूब आएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस का 4x स्क्वायर आएंगे, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय नंबर घटते हैं नंबर बढ़ते हैं, लेकिन कभी भी जो इनकी क्या पावर्स है ना वो घटती है ना बढ़ती है, वो सेम ही रहते हैं। ओके प्लस का 4x एंड प्लस का 5 ये एज इट इज आएगा। एक्स क्यूब है यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस का x, एक्स क्यूब आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस 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 का एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का 1 एंड प्लस का x, प्लस 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 ऑन x आएगा, 1 की और x की मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, तो हम वहां लिख सकते हैं प्लस का x। ये नंबर क्या आए हुए यहाँ पे आपके आए हुए हैं। अब इनमें हम कैसे करें साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पे आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस माइनस फिर माइनस तो यहाँ पे आएगा प्लस का 3x एंड ये आएगा प्लस का 5। अब माइनस का 3x स्क्वायर है यहाँ x स्क्वायर है तो इसकी मल्टीप्लाई हम माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई माइनस के x से करेंगे माइनस माइनस प्लस एंड 3 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, तो माइनस का 3x आएगा, माइनस माइनस प्लस तो किसका 3x आएगा प्लस का 3x आएगा। अब माइनस के 3 की मल्टीप्लाई आप प्लस के 1 से करोगे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड 3 वन जा 3 तो माइनस का 3 साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 एंड 5 और 3 8 तो इसमें हमारा 8 रिमाइंडर है और ये हमारा क्यू टेंट है। ओके रिमाइंडर क्यों बचा, क्योंकि 8 तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा इन सबसे ही छोटा है, मतलब 1 से तो बड़ा है बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से छोटा है, इसलिए 8 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। अब हम थर्ड पार्ट, अगर आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए हों तो ये थर्ड पार्ट आप खुद करके देखोगे ताकि आपको डिवाइड अच्छे से आ जाए। मैंने दो पार्ट समझा दिए अच्छे से, थर्ड आप खुद सॉल्व करोगे और वो इन दोनों से बहुत इजी है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो, डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।